सोलन शहर के लोगों को बाहरी राज्यों की तर्ज पर विभिन्न रोग से संबंधित विशेषज्ञों की सुविधा देने के उद्देश्य से पंजाबी महासभा सोलन द्वारा चिल्ड्रन पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सुबह से लेकर दोपहर तक सैकड़ों रोगियों ने अपने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई और उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों से रोग से संबंधित परामर्श भी प्राप्त किए। सोलन में पंजाबी महासभा द्वारा समाज सेवा के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्य आयोजित किए जाते हैं, जिसमें गरीब लोगों के लिए किसी भी प्रकार का सहयोग सहित निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित करना प्रमुख है। रविवार को भी पंजाबी महासभा द्वारा सोलन के चिल्ड्रन पार्क में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पारस अस्पताल पंचकुला की टीम के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही रोगियों के ECG, BP, शुगर सहित हड्डियों के टेस्ट निशुल्क किए गए। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने कहा कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में लोगों का खान पान सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियाँ हो जाती है। उन्होंने निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित करने के लिए पंजाबी महासभा की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे शिविरों के आयोजन से लोगों को अपने स्वास्थ्य की निशुल्क जांच करवाने का अवसर मिलता है। इस तरह के शिविर खासकर गरीब लोगों के लिए काफी लाभदायक होते हैं। जी, पंजाबी महासभा ने आज जो हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है, तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस कैंप में बुलाया। और ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और अक्सर हम अपनी भागदौड़ वाली ज़िंदगी की वजह से हेल्थ को उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं या इसमें लापरवाही करते हैं और प्रॉपरली अपना हेल्थ चेकअप टाइमली नहीं कराते, जो मुझे लगता है हर व्यक्ति को कराना चाहिए और अपनी फिजिकल फिटनेस को लेकर हर व्यक्ति को कॉन्शियस होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने और ये नॉर्मली भी बहुत अच्छे काम समाज सेवा के क्षेत्र में करते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं। इस संबंध में जो हेल्थ चेकअप लगा है, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है और कोई भी आके यहाँ पे अपना हेल्थ चेकअप करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।